Hello. Is that Mithul? Yes. Mithul, hi. I'm calling from hotel. हाय. हाँ आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? जी, मेरी बुकिंग है कौन सा डेट डेट आपने बताया? 15th. 15th को है. 15th. हाँ जी. कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी. जी, मैंने बताया था सब कुछ हाँ? कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए मेरे को. थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए. अच्छा, और मतलब बेड हाँ, बेड जुड़ा उस हुआ हो, वो सिंगल सिंगल एक नहीं चलेगा, बेड नहीं जुड़ा नहीं हुआ सिंगल हो. सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा. वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए डबल मेरे को. बेड. हाँ जी. हाँ, डबल और बेड. मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी. वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो, हाँ, टॉवल से हाँ दिल. हाँ वो होना चाहिए उसमें. और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए. और स्मोकिंग रूम. हाँ, स्मोकिंग रूम का क्या हुआ? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना. मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम. स्मोकिंग रूम. और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी चाहिए मेरे कितना को. कितने दिन के लिए है? 3 nights और 2 days की बुकिंग है मेरी. हाँ थ्री नाइट्स. आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? जी, आ रही है. और कोई आ रहा है घर में से, घर से फैमिली मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? में से क्यों आएंगे भाई साहब? मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में. नहीं, फैमिली में से फैमिली और पापा आ रहे हैं. पापा? पापा क्यों आएंगे भैया? क्या बात कर रहे हो नहीं, आप मैं कहाँ इसलिए कह से? रहा था, पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार. कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ. हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे? कैसी बात कर रहे हो जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरी मैं फ्रेंड मिल के साथ. लेता ना उनसे, मैं मिल लेता ना उनसे. अरे तो मेरे पापा एक जमाना हो गया मिले हुए. कौन बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ. हमने एक जमाने में काम किया था साथ में, तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को. आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो. होटल से बोल रहा हूँ, मेरा रूम है बेटा यहाँ पे, 524. इसी होटल से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ. सॉरी अंकल. मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था. कौन फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो. फ्रेंडली अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी. वो रहती है ना जयपुर, रहती है. वो आ रही है. जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ तो हाँ, वो दिल्ली आ रही है. उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही है तो आप दिल्ली घूम लो हाँ, दीदी. वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया. मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे. अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को. पूजा के लिए? वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है. तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं. तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था. मैं, यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा. मिनी बार, उसका क्या करना है? मिनी बार वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना, मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल. वो हाँ. थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है, तो मैं ना हमेशा चिकंजी विकंजी, हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है, तो हमेशा मिलता नहीं है. तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा, ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं उसको. फिर वो पेट भी सही रहता है. वो उसके लिए था वो मिनी बार, तो और तो मुझे नहीं पता. चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया. जी, अंकल मेरा भी. आप ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू. हेलो बेटा. हाँ अंकल. हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो मैं वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी घुमा जयपुर? दूंगा नहीं, उनको. अरे बात सुन, आ जा. अरे नहीं नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा उनको. बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. देख, अभी ना तो फोन काटी हो, अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, इसलिए कहते हैं. वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है? सुना है? हाँ या ना जवाब दे, जल्दी सुना है बता. सुना है सुना है है, सर, सुना है. अरे तेरे सारे कमीने हैं. तेरे चार दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ, ये जा रहा है होटल में, दीदी को होटल दिखाने. हेलो. हाय अबीर, रिया दिस साइड. रिमेम्बर कौन? रिया? रिया, हम टिंडर पे चैट करते थे.
यार हमारी चैट हुई थी अबाउट मीटिंग अप फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तुम मिले नहीं अभी तक कॉफी? हाँ मतलब तुम सबको ही राइट स्वाइप करते हो, सबसे चैट करते हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ. क्या क्या होता है रिया रिया, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ रिया. और तुम बताए, तुम्हें देखते ही मैंने एकदम राइट स्वाइप कर दिया था, और उसके बाद तो मैंने मतलब खोली नहीं वो ऐप कभी भी. तो आर यू श्योर यू एक्सक्लूसिवली मेरे से ही बात हो रही है सिर्फ? अरे किसी और के पास ये नंबर भी दी है. प्रॉमिस सिर्फ मुझे ही नंबर दिया है ना? तुम्हें यकीन नहीं होता ना, लो सुन लो, आई लव यू. पक्का मुझसे ही प्यार करते हो? किसी और को तो नहीं बोलोगे? मैं क्यों बोलूंगा किसी और को, सच कह रहा हूँ. हेलो हेलो. पर मैं मानू कैसे सच कह रहे हो तुम? जब हमारी बात भी होती थी टिंडर पे तो भी तो तुम बताते रहते थे किसी किसी लड़की के बारे में. मैं कैसे मानू कि तुम मेरे ही हो? वो मैं शो ऑफ कर रहा था. अब तुम्हारी आवाज सुन ली है ना, इसके बाद इन कानों को और कुछ नहीं सुनना. मैं सच कह रहा हूँ. क्या बताया? रिया रिया, सच कह रहा हूँ. तो अभी कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा जिससे मुझे लगे कि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के भी नहीं. कुछ तो करना पड़ेगा. फोन में घुस के थोड़ी बताऊंगा, वो कॉफी पे मिलते हैं ना. कब कब मिल रहे हैं? कहां पर मिल रहे हैं? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ पर मिलना है? अरे मैं तो कितना बेताब हूँ मिलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी से भी मिलते रहते हो. अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं. क्या पता पहले मिलते हो और मेरे बाद मिलने लग जाओ. पहले मिलता होऊंगा ना, अब नहीं मिलूंगा बस. पक्का? अरे पक्का है अब्बा डब्बा जब्बा पक्का. अब ये बताओ मिलना कहाँ है? अभी मिलना है? अरे अभी? अरे मिल लेंगे, पर पहले ये तो भरोसा दिलाओ कि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं. अभी अभी तो बोला कि तुम्हारी आवाज सुनते ही मैंने मैंने कंफर्म कर दिया. मैं शाम को मम्मी को भी बता दूंगा. बस और बताओ. बताओ कहाँ मिलना है? अरे बोला तो सही, मैं तुम बोलो कि आना कहे मैं कश्मीरी गेट हूँ, अभी मेट्रो पकड़ के आ जाऊंगा. अच्छा अच्छा. हाँ कहाँ? हेलो. हाँ हाँ, कहाँ पे आना है? अरे तुम बड़ा सोच रही हो, तुम एक काम करो, जहाँ पर भी हो ना पहली मेट्रो पकड़ लो जो निकल रही है, बीच में कहीं मिल जाएंगे स्टेशन पे. और जब मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्या कर रहे, पब्लिक प्लेसेस में कुछ नहीं कर सकते, वो अब डिसाइड कर लेंगे. तुम ये तो बताओ मिलोगी कहाँ? जब मैं मिलूंगी मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? अरे मेरे जैसा तुम्हें और कोई दिखेगा ही नहीं, और मैं तो तुम्हें तुम्हारी आवाज से पहचान लूंगा. आवाज से पहचान लूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी. ए भैया मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन. हाँ मैंने ले लिया यहाँ से रिक्शा, मैं पहुंच ही रहा हूँ बस वहां पे. बस एक वादा करो. बोल. अरे सौ करूंगा. बोलो तुम सिर्फ मेरे हो. कितनी बार और किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे कभी? मैं आंखें फोड़ लूंगा, किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा. आई लव यू, आई लव यू. तू ही मेरा प्यार है. चल बाद में बात करती हूँ, बाय. हेलो हेलो. आप शशांक बोल रहे? हाँ जी शशांक बोल रहा हूँ. शशांक हाय, मैं एक्चुअली मैंने आपको फोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये मैट्रिक मॉडल पे. तो इफ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा, हमारे परिवार में तो ज्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा. आपसे पूछ सकता हूँ आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो. हाँ. और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ. नहीं बात भी सही है, आपका घराने पे ज्यादा तवज्जो है. नहीं नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ. नहीं आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना. हाँ. देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है. मैं अपने परिवार के बारे में बताऊँ, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं. अच्छा. मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना फिर नहीं देखते ये दिन रात. अच्छा, अच्छा. एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बताता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए. हम सारे हमारा बड़ा बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं. तो बस नहीं नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं एक बार सबसे मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है. देखा जाए. बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मिलेंगे पूरे परिवार से शादी. बल्कि मिलेंगे, मेरे बड़े भैया तो गए हुए हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी. सविता भाभी,
ए सविता भाभी, आ गई सविता भाभी, आ गई, आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप जी? एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के, और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना। मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया, आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, परिवार अच्छा। आप जब मिलोगे ना, क्या करके मैं अभी बुलाता हूँ उसको, कजिन है हमारी। खलीफा, 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 ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताएं कल आपने? खलीफा, खलीफा, ये कली आई है, दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता। अच्छा अच्छा, हेलो, हाय मिया खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक, तो और खलीफा जी, मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से, खलीफा मैं पूरे परिवार से, जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड, जॉनी, जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा, हे हाउ आर यू मैन, व्हाट इज योर नेम? हे द जॉनी दिस साइड, जॉनी, हां या। And Johnny, what do you do? well, I have my own business in the United States. Okay, what business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. Sunny se baat karo na, Johnny, you can go. All right. Sunny se baat karata hu. Sunny! Hey, Sunny! Sunny, ye Shashank hai jinke baare mein bata raha tha na? कैसे हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब? कैसे हैं? कैसा कैसा है? कैसा है? सनी है ये हमारा कजिन। अच्छा, है। अच्छा सनी लड़का है। ओके। सनी मैं मेरे ख्याल से सनी ये वही है शशांक। शशांक ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी। मैंने अभी तो बात करा दी है, सविता भाभी से बात कराई। अच्छा अच्छा, जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी अभी बात कर गई, अभी कर गई, बस तू ही रह गया था सनी। मैंने कहा सनी से बात कराए थे। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिलेंगे बाद में, फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है अंकल। अच्छा सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं? सविता भाभी जी अंकल, शशांक है सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं? हाँ मैं यही बोल रही थी बेटा, एक एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ आ गए आप बेटा, मैं तुमसे एक घंटे बाद बात करूँ? क्यों क्यों क्या हो गया बेटा? प्लम्बर आया है, एक घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ सविता भाभी, पता नहीं क्यों हंस रहा है भाई। देखो इस परिवार से तो मिलिए, ये रेडियो मिर्च से हमारा परिवार है, मैं, पंकित, मेघा, शिवम, मैं वर्ष और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा अच्छा सर, एक बात है कि कार ना हो कि हार्ड ड्राइव में। <laughs>